हेलो अपनी भाषा में बोलना, कुछ बोल दे अपनी भाषा में। हेलो मैं आ रही हूँ, चंपावत आ रही हूँ। उसके मैं गुंगल हॉट ऐसे ऐसे मेहमान अगर आए तो मैं रोज ही रख लू। जो जिनको मैं बना के खिलाओ खाए थी वो ज्यादा दिन आ रहे तो ये हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ, फिर से आप सब लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज हमारे कमरे में आए हुए हैं दिल्ली से, आज मिलाता हूँ सबसे पहले अपने जीजाजी से मिलाता हूँ। हेलो बोलो। हेलो। सब पहली बार मेरे ब्लॉग में आए हुए हैं, कभी आपने देखा भी नहीं होगा, लेकिन 4 साल हो गए मेरे जीजाजी बने हुए पहली बार ब्लॉग में, और साथ में हमारे भानी। हेलो बोलो। हेलो। और दीदी हेलो तो बोल दे। हेलो हेलो। अपनी भाषा में बोलना, कुछ बोल दे अपनी भाषा में। हेलो। मैं आ रही हूँ, चंपावत आ रही हूँ। हाँ। उसके मैं गुंगल हॉटेक्स हूँ। ये है दिव्या। हेलो। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं कहाँ? गोलू देवता मंदिर चल रहे हैं। तो सब लोग, हम 5 लोग हैं, चलो जिया जी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ से न्याय के देवता गोलजी मंदिर में दर्शन करने के लिए। पहली बार इन लोगों का यहाँ पे आना हुआ है, इनने कहा कि हम लोग सबसे पहले गोलजी मंदिर पे दर्शन करने चलेंगे, उसके बाद फिर बालेश्वर मंदिर पे चलेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से गोलजी मंदिर के लिए, तो आप लोग दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में। सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जूते चप्पल उतार जाएंगे, यहाँ पे रख जाएंगे, चप्पल उतार दिए हैं, अब चलते हैं मंदिर के अंदर में। चलो जिया जी दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों अंदर तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं सब लोगों ने, और फिलहाल अब बार बार दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फोटो वगैरह यादगार के लिए ले लेते हैं। दर्शन हो गए? हाँ। हो गए पक्का ना? हाँ। अच्छा फोटो वगैरह ले लो यादगार के लिए। हाँ। ये रहा नौला, प्राचीन नौला है जिया जी। हाँ जैसे यहाँ पे जब भी डोला उठता है तो यहाँ से उठने के बाद फिर यहाँ पे नहलाया जाता है। अब नहीं है पानी यहाँ पे है ना, वो बंद कर रखा है वो। बंद कर रखा है। हाँ वही दर्शन बालेश्वर मंदिर के। चलो सबसे पहले यहाँ चलते हैं। पहले यहाँ दर्शन करो। श्रीमती धामी जी दर्शन के लिए पधारे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये बजरंग बली, आज तो दिन ही जो बजरंग बली का है। तो दोस्तों ये रही श्रीमती गीता धामी जी, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ में चंपावत बालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए थे, और मैं भी अपने जीजा जी लोगों को लेकर बालेश्वर मंदिर गया हुआ था दर्शन के लिए, और साथ साथ में यहाँ पे श्रीमती गीता धामी जी से हमारी मुलाकात हुई यहाँ बालेश्वर मंदिर में। और फिलहाल अभी यहाँ पे हनुमान मंदिर के पास में यहाँ पे दीप ज्योति हो रहा है। दोस्तों फाइनली हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं बालेश्वर मंदिर के और गोलजी देवता मंदिर के, दोनों मंदिरों में दर्शन करके आगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, वहाँ पे थोड़ा जीजा जी लोगों के लिए जूस की व्यवस्था करनी है, तो आगे चलते हैं पता करते हैं वहाँ पे अगर मिल जाता है तो इनके लिए ले लेंगे। गर्मी है अभी तो गर्मी होगी भाई। कहाँ गए? यहाँ नहीं है।
तो वैसे ना हमें अगर जूस चाहिए तो मिल जाएगा? वैसे स्टॉक है क्या आप लोगों के पास, जैसे जामर का हो गया, माल्टा का हो गया, या फिर हैं जामर, नींबू, बुरास? जी हाँ जी, कौन सा लेना चाहोगे आप, जामर का, नींबू का, बुरास का, या फिर माल्टा? कल पिया था आपने जामर का था? सही था, जामर मिल जाएगा ना? कितना जी जी, कैसे दिया, क्या रेट है? 100 रुपये लीटर है। 100 रुपये लीटर? हाँ, 5 लीटर 450 का पड़ जाएगा। 5 लीटर 450 रुपये का, बताइए। 5 लीटर ले जाता है? 5 लीटर, ठीक है फिर 5 लीटर दे दीजिएगा। अच्छा, आप लोग अचार वचार के लिए आम आम काट रहे हो क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, ये जामर का है? अच्छा, तो ले लो फिर जिया जी। ठीक है, किसी को पकड़ लो। हम सारा लेंगे। हाँ हाँ, सारा लो। जूसी जूस, जूसी जूस है। बोलो बोलो इधर गाइस, आज हमने जामर का जूस खरीद लिया। बोलो, हमने आज जामर का जूस खरीद लिया। दिखा भी दो। दिखा दे, दिखा दे, तो दिखा दे। ये जामर का जूस है। कहाँ लेके चलोगे इसको? घर। घर कहाँ? दिल्ली, टनकपुर, चंपावत? चंपावत में तो है ही, मामा पिलाई देगा चंपावत में तो। ये है दिल्ली के लिए। अच्छा, हाँ चलो फिर, चलो बाहर लेके चले हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कमरे में, अब जाके बनाते हैं मस्त वाला जूस, ठंडे ठंडे पानी वाला। ये लो साहब, ठंडा ठंडा। वाह भैया, क्या टेस्ट है, आया मजा, ठंडक आ गई। के आने के बाद जीजा जी और दीदी यहाँ पे कुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और खाने में जीजा जी लोग बना रहे हैं। क्या बनाए? ये झोली है। ये झोली बना रखी है, और झोली बना ली तो फिर क्या बना रहे हो? अब ये बैगन बनाएंगे। अच्छा, इसमें बैगन कटे हुए हैं। अब बैगन बनने, भात रखा हुआ है, इसमें भात रख दिया। तो मतलब भीना और दीदी लगे हुए हैं, भात तो दिया नहीं भाग से। जीरा उसी में तो है बीच में। दीदी आज मतलब झोले के साथ साथ बैगन की सब्जी बना के देखते भाई। ऐसे ऐसे मेहमान अगर आए तो मैं रोज ही रख लूँ। जिनको मैं बना के खिलाऊँ शायद ही दादी जी ना आए तो ये अच्छा। जो मेहमान आए बनाए, मेरे को भी खिलाए, खुद भी खाए, वो मेहमान मिल ले। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, हमेशा आते रहे। जी जी, यहीं आके बना रहे हैं या फिर वहाँ भी बनाते हैं दीदी? हैं, मुझे तो यहीं दिख रहा है। वहाँ नहीं बनाते हैं? वहाँ है ना, ये मैं तेरे को अच्छा खिला दूँ। अरे वहाँ गर्मी होती है इसलिए रसोई में आते नहीं है, यहाँ लग रहा है इनको ठीक है। तो एक काम करता हूँ, दिखावा कर देता हूँ। दिखावा कर रहे हो क्या? मैं बना रहा हूँ, खा के देखना पता लग जाएगा जब, है ना? मेरे सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, फिर बात मत कहना कि यार मेरे को आता नहीं था, मैं तो बस ऐसे बना रहा था। आता तो इनको मस्त मस्त खाना बनाना है, बना लेंगे। अभी तड़का देखो तुम, अब तो सही लग रहा है बनाने में तो। अब पता नहीं स्वाद का कैसा आता है, स्वाद कैसा आता है ये एंड में पता लगेगा। अच्छा अच्छा, चलो फिर आप लोग भी बने रहेगा, हम भी इंतजार करते हैं इनके खाना बनने तक का, फिर बाकी तो देखा जाएगा। हाँ तो है, चाहे स्वाद आए या ना आए फिर तो। सही बात है, खाना तो भाई रेडी हो चुका है, बच्चे लोग तो खाने लग गए हैं। कैसा बनाया वाले भीनी ने? बढ़िया बढ़िया बना रखा है, हैं? बढ़िया, अच्छा रखा है सब्जी तो जी। सब्जी? अरे रो भाई, एक बोर्ड पड़ गया। एक बोर्ड पड़ गया, ये फीलिंग है। दो बोर्ड। ललिता सब्जी कैसी हो रही है? सब्जी अच्छी की कड़ी अच्छी? एक बता, एक बता, एक बता। अरे तीन वोट। अगर एक वोट और पड़ जाता है जी का जी विजय। दिव्या खाई कि नहीं बिचारी? सब्जी खा के देख कितने, थोड़ा सब्जी चख। ओ उसमें आधा हाथ तो मेरा भी है। कुछ नहीं है, नमक मिर्च मैंने काट के डाले थे दोनों। चलो चलो, मैंने डाला, आप बताओ। चलो चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। तूने खाली मिर्च काटी है हरी वाली सब्जी, और अब उसको चेक करो कड़ी को, क्या अच्छा लगा? एक बता भाई, बताओ भाई, यहाँ देखो धड़कने बढ़ रही है। <जी। laughs> <अरे? laughs> दादाजी पापा की जान बूझकर तो पापा टेस्टी खाई भी नहीं, वो झूठ बोल रहा है।
हार गई खाइए देख सब्जी दोस्त को थोड़ी सी जीजा जी विजयी भो जीत गए बम्पर वोटों से लाजाऊ जैसी फीलिंग आने लग गया अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ गया हूँ 400 पार मोदी जी तो कर नहीं पाए हमने कर दिया 400 चार के चार ने खाया 400 से ऊपर कोई नहीं अगले साल मोदी जी करेंगे क्या दिक्कत है आज बोर्ड देखते हैं अरे बैगनी अच्छा होगा मुझे पता है खुद की हार मान ली खाना बहुत स्वाद बनाते हैं सब्जी सब्जी तो अच्छी बनी है फिर फिलहाल अभी कड़ी चक्कर की तरफ से भी बनाई है जीत गई सच्ची में सही बना रखी हार नहीं करके लड़ रही है हार गया तू दीदी एक भी वोट नहीं आया तेरे पे रेला क्या करें बता सारे वोट यहाँ पड़े हैं आज सब्जी का तो मजा आ गया और अभी जाके शाम के 7 बजे हुए हैं और यहाँ पे सब लोग देखो ये खा रहे हैं काफल और हमारे भाई कर रहे हैं पढ़ाई टेबल लिख रहे हैं चलो लिखो अभी गलत होगा तो फिर मैं मारूंगा अभी जल्दी से अच्छे अच्छे से लिखना ठीक है और अंशु भी यहाँ पे काम कर रहे हैं ललिता भी काम कर रही है सब लोग काम करने में लगे हुए हैं फिलहाल और दीदी और जीजाजी फिर से खाना बनाने में लग चुके हैं और अभी बन रही है सब्जी आपका सब्जी क्या बन रही है कटहल फिर से जीतना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं तू खा लियो कटहल अभी लेकिन दीदी ने कहा है मैं बना के दिखाती हूँ देखते हैं क्योंकि दिन में आपने बैगन की सब्जी बना के बहुत ही बम्पर वोटों से जीत मिली है आपको और अभी ये कहना चाह रही है कि मैं कटहल की सब्जी बना के आपसे भी ज़्यादा बम्पर वोटों से जीतना चाहती हूँ और हमारे अंदर जो पब्लिक है वो केवल कितने लोगों की है पाँच बोर्ड बोर्ड वाले चार तो छः बोर्ड देने वाले पाँच हैं पाँच है हाँ क्योंकि आप दोनों में हुआ था ना लेकिन अभी छः हैं और दीदी कह रही है कि छः के छह से भी ज़्यादा मेरे में वोट पड़ेंगे वो कैसे कह रही है कि पड़ोस में भी सब्जी बांट के आऊँगी लेकिन मुश्किल है फिर भी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि दिन में से अच्छी सब्जी अभी बने दिन का बदला लिया जाए हाँ और जीजाजी अभी भी टक्कर में है कह रहे हैं कि मैं अब फिर से जो बैगन की सब्जी है उसको दोबारा गर्म करके बच्चों को खिलाऊंगा और बम्पर वोटों से भी फिर जीतूंगा चलो फिर लगे हैं दीदी और जीजाजी दोनों और दीदी सब्जी बना रहे हैं फिलहाल अभी और जीजाजी पता नहीं कौन से लेक्चर मार रहे हैं दीदी के ऊपर ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ मैंने सुने भी नहीं है और फिलहाल हम चलते हैं क्या कहना चाहते हो आप ओमो काम नहीं कर रहे हैं चलो भैया उनकी क्लास लगाते हैं ओमो काम क्यों नहीं कर रहे हैं ओमो काम क्यों नहीं कर रहे हो हाँ तो उसको छिल लो ना वो वहाँ पे रखा हुआ है हाँ मौसी से बोलो हाँ फिर दोस्तों फाइनली खाना भी बन चुका है बच्चों ने खा भी लिया है हमने नहीं खाया अच्छा इन्हें नहीं खाया ये बड़े धीरे धीरे लगे हुए हैं ये हो गए और ये हो गए बड़े धीमे से लगे हुए हैं बाकी अभी अब जीजाजी को भी बैठा दिया है और ये तो फिलहाल बैगन की सब्जी अच्छी मानेंगे क्योंकि बनी जो इनके हाथ से है और बाकी कटहल टेस्ट करते हैं कि कटहल की सब्जी कैसी बनी हुई है करके इस बार तो बोर्ड पक्का है भाई मेरा तो कटहल में ये कटहल अच्छा हो रहा है तारीफ करूं मैं क्या उसकी जिसने ये कटहल बनाया है बहुत बढ़िया कटहल चलो आ जा दीदी घी लगाया क्या रोटियों में चटनी दो हाँ चटनी भी है चटनी दो जीजाजी को चलो फिर दोस्तों फाइनली हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को खानो पीनो तो हमारे है गयो हमारा दिन भर ही खान पीन है गयो ठूस ठूस भी खाया कथली कटहला साग कथली बैंगन साग बस आप रात का दूध पीने लग गया दूध ला रहे हो भैंसा दूध पीने वहाँ दिल्ली में तो दे छाँ से खन में रह गए सबो दूध पीने उनको सब दूध पीने भिंजू के लिए दूध थमारा आए थे न तो चार गिलास थमे बोले चीन कज्जो नहीं देखो चीनी पत्ती आज दूध पीने साल तो दुयांगली बांके रहो साले आज आप दूध दूध पीनो आप सही जानू फिर बात भोले कहानी भोल देखो तुम ओके
भयंकर हरियो नहीं भलन जाने हो कम आ हम केला बदन हो तुम सरप्राइज सरप्राइज यार सरप्राइज आ हो गई बहुत हला बेटे बता अगर फिर सबने पता चल जा सरप्राइज तो और में रख रख ना को सब पे ना पतला ऐसे बोलना स्टाइल से बोलना